अब हमारे पास है रिलेशंस विद अफगानिस्तान, और इस पे भी वही सवाल आएगा कि हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान रिलेशन और पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान बिटवीन 1947 टू 1999। सबसे पहले हम अगर फेलियर्स की बात करें, पहला फेलियर 1947 के अंदर अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि कुछ एरियाज पाकिस्तान के किसके हैं, अफगानिस्तान के, जो कि हमने अर्ली प्रॉब्लम्स में पढ़ा था, पख्तूनिस्तान इशू। पख्तूनिस्तान इशू यह था कि ये लोग क्लेम कर रहे थे कि कुछ एरियाज किसके हैं, पख्तून मतलब खैबर और वाली साइड, मतलब जो पिशावर वाली साइड है वो किसके हैं, उनके। तो वो पख्तूनिस्तान इशू हमारे हमने प्रॉब्लम फेस करा था। दूसरा आप फेलियर क्या बताओगे कि 1947 में जब हम यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने जाते हैं तो उसमें वोटिंग होती है कि ये कंट्री को हम एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देयर वॉज अफगानिस्तान द ओनली कंट्री जिसने हमारे खिलाफ क्या करा, उसने कहा कि हमें इनसे इनके इनको एज अ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं बनाना चाहिए, मतलब दे वोटेड अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ उन्होंने क्या करा, वोट करा यूनाइटेड नेशंस। पहले तो आपने क्या बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान से क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ एरियाज मांगे, फिर इन्होंने क्या करा, यूनाइटेड नेशंस को हमारे खिलाफ क्या करा, वोट दिया। 1947 के अंदर एक और फेलियर, 1947 के अंदर एक और फेलियर क्या होता है कि अफगानिस्तान जो है वो बोलता है कि हमें ट्रेड करना है कराची से क्योंकि हमारे पास पोर्ट प्रॉपर नहीं है। तो जब वो ये कहता है कि हमें ट्रेड करना है तो हम ये कहते हैं कि चलो हम आपको ट्रेड करने देंगे, ठीक है, एक कंडीशन, कंडीशन ये कि आप अपना पख्तूनिस्तान का मसला क्या कर दो, छोड़ दो। अफगानिस्तान कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करता, अफगानिस्तान बोलता है हम पख्तूनिस्तान का मसला तो नहीं छोड़ेंगे, हमें आप कराची ट्रेड करने के लिए। तो हम भी बोलते हैं कि भाई अगर तुम पख्तूनिस्तान का मसला नहीं छोड़ोगे तो हम भी अपना तुम लोगों को ट्रेड करने के लिए कराची नहीं देंगे। तो रिलेशंस क्या हो जाते हैं हमारे, खराब हो जाते हैं। 1947 में रिलेशंस खराब ही हो रहे हैं। पहला क्या, पख्तूनिस्तान इशू, रिलेशंस खराब। दूसरा क्या मसला हुआ, तो आप बताओगे कि हमारे पास किस मसला आया, उसपे यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ वोट कर दिया। और तीसरा क्या है कि उन्होंने कहा हमें कराची से ट्रेड करना, तो हमने उनको ट्रेड करने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने पख्तूनिस्तान का मसला नहीं छोड़ा। फिर आप बताओगे आरसीडी, 1964 में रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट बनता है जिसके अंदर ईरान और टर्की का पार्ट होता है। अफगानिस्तान को भी हम इन्वाइट करते हैं कि यार आप भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से हो, आप भी हमें ज्वाइन करो, तो अफगानिस्तान मना कर देता है। अफगानिस्तान बोलता है मैं ज्वाइन नहीं करूंगा अंटिल अनलेस पाकिस्तान ना छोड़ दे, मतलब पाकिस्तान की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। तो रिलेशंस क्या हो गए, गंदे हो गए। फिर आप बताओगे 19, अभी हमारे रिलेशंस क्या हो रहे हैं, गंदे हैं, 65 तक गंदे ही हो रहे हैं, जहां जाओ ही अफगानियों का मसला आ रहा है। अब 1965 में बेहतर है, और वो बेहतर कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, उन्होंने मसला पैदा नहीं करा तो हम उसको क्या कह रहे हैं, वो बेहतर है। 1965 में वॉर होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, आप ये बताओगे उसके अंदर पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा होता है, और आप ये बताओगे कि अफगान न्यूट्रल रहता है, इससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, मतलब ना उसने हमारी मदद करी ना कुछ करा, फिर भी रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं क्योंकि भाई हमें ये डर था कि यार ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, तो उसने कुछ नहीं करा, न्यूट्रल रहा, तो वो हमारे लिए रिलेशंस क्या हो गए, बेहतर। फिर आप ये बताओगे जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो क्या करा कि हमें अलाउ कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान को अलाउ कर दिया कि आप किसके साथ ट्रेड करो, इंडिया ऑफ इंडिया के साथ भी ट्रेड करो। अब वो पाकिस्तान यूज क्या करते थे फॉर ट्रेवलिंग पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम देखें गौर से तो अफगानिस्तान यहां पर है, फिर ये क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान और फिर ये है इंडिया। अब जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के अंदर तो बांग्लादेश तो अलग हो चुका है, अलाउड अफगानिस्तान टू ट्रेड विद इंडिया, पाकिस्तान को यूज करते थे फॉर ट्रेवलिंग, तो रिलेशंस क्या हो गए, अच्छे। फिर आप बताओगे कि हमारे पास जब भी 1970s के अंदर दो तीन दफा अर्थक्वेक्स आए तो अर्थक्वेक के अंदर मदद किसने करी, तो आप बताओगे कि पाकिस्तान वाज द कंट्री जिन्होंने उनकी क्या करी, मदद करी। और जब मदद करी तो रिलेशंस क्या होंगे बेटा, बेहतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बेहतर। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि सोवियत अफगान वॉर होती है जो कि हमने सेक्शन 3 में भी पढ़ा था कि 1979 से जब वो स्टार्ट होती है तो हम लोग अफगानियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अफगान को जब हम सपोर्ट कर रहे होते हैं तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस क्या हो गए, अच्छे, हमने उनके रेफ्यूजीज को रखा, रिलेशंस क्या हो गए, अच्छे, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट करा तो ये अच्छे हो गए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी हुआ था, वो आप क्या बताओगे, इसकी वजह से ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ गई, इसकी वजह से क्लैशिंग ऑफ कल्चर बढ़ गया, इसकी वजह से रेफ्यूजीज की वजह से बर्डन बहुत ज्यादा आया, तो कुछ हद तक रिलेशंस खराब हो। फिर आप बताओगे कि 1990 के अंदर, 1990s के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो काबुल के अंदर जो होती है उस पर अटैक होता है, और रिलेशंस क्या हो जाते हैं बेटा, गंदे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कहानी है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ। तो अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान के पास हमारे पास
टू वॉट एक्सटेंट वॉज द रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इट्स नेबरिंग, तो टू वॉट एक्सटेंट है तो किस हद तक, तो पहले सक्सेसेस बताए फिर पाकिस्तान फेलियर्स बताए। तो पहला फेलियर कि उन्होंने बोला भाई ये दो रन लाइन बननी चाहिए, पख्तूनिस्तान इश्यू आया। दूसरा हमारे पास क्या आया कि उन्होंने कहा कि भाई हम यूनाइटेड नेशंस पे हमारे खिलाफ वोट करा। तीसरा आप क्या बताओगे, इन्होंने कराची में ट्वीट करने का, हमने उनको मना कर दिया, आरसीटी के लोग हिस्सा नहीं बने। फिर हमने जब उनको मदद करी, आप ही बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ कि ड्रग ट्रैफिकिंग और काफी ज्यादा हो गई। फिर हमने उनकी उन काबुल पर अटैक हुआ वो बताओगे। फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास अपार्ट फ्रॉम फेलियर देयर वर सक्सेसेस, कि 1965 में लोग न्यूट्रल रहे। फिर आप बताओगे हमने उनकी अर्थक्वेक से मदद करी, सोवियत अफगान वॉर के अंदर मदद करी। तो ये हमारे पास इन माय ओपिनियन द फेलियर्स आर मोर देन दे सिंपली आउटवे द सक्सेसेस। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव सम गुड टाइम्स बट ओवरऑल द रिलेशंस वर बैड। हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान रिलेशंस विद अफगानिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1999। हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान एंड इट्स रिलेशन विद अफगानिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1999। और वही सवाल यहाँ पे 1988, क्यों? क्योंकि पहले कोर्स 1988 तक का था। तो हमारी कहानी होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस कहानी के अंदर आपको ये बात बता होनी चाहिए कि अफगानिस्तान वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए।